हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टेल बोन पेन के बारे में, यानी कॉक्सीडिनिया एंड होम्योपैथिक मेडिसिंस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड द टाइमिंग ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉक्सीडिनिया एंड होम्योपैथिक मेडिसिंस। तो कॉक्सीडिनिया इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि टेल बोन में अगर आपको दर्द हो तो इसको हम कॉक्सीडिनिया कहते हैं। टेल बोन यानी कॉक्सिक्स में अगर दर्द होता है तो आपको क्या करना चाहिए और किस किस कारण से दर्द होता है, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टेल बोन या कॉक्सिक्स में दर्द किस वजह से हो सकता है। तो सबसे बहुत ही कॉमन रीज़न है वो है चाइल्ड बर्थ। तो पहला रीज़न है चाइल्ड बर्थ। दूसरा है कभी अगर आप एकदम सडनली बैठते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पीछे होकर कभी गिरते हैं, बैकवर्ड फॉल होता है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव साइकिलिंग कर रहे हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि बोन में स्पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो बोन में ओवरग्रोथ, स्पर फॉर्मेशन या स्पाइक्स जैसा बोनी ओवरग्रोथ जब होता है तो ऐसा हो सकता है। अगर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है और पस वगैरह पड़ गया है तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कॉक्सिक्स बोन में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन के वजह से पस फॉर्मेशन हो रहा है तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे? तो सबसे पहला तो है कि आपको बैठने में दिक्कत होगी। तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे बैठने में। कई बारी ना कंफर्टेबली बैठा जाता है, ना लेटा जाता है, एक अनईजी फीलिंग रहती है। मोशंस करने के टाइम पे प्रॉब्लम होती है और एकदम से टेंडर रहता है एरिया, बटक्स में पेन होता है। तो ये हमारे कुछ लक्षण होते हैं अगर आपको कॉक्सीडिनिया या टेल बोन पेन है तो। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, होम्योपैथी में कॉक्सीडिनिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। तो तीन मेडिसिन है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। एक है आर्निका, दूसरी है हाइपेरिकम और तीसरी है रूटा। तो आर्निका हमारी इंजरी मेडिसिन है। मैंने आप लोगों को बताया है काफ़ी बारी जब आर्निका के बारे में हमने बात करी है कि कोई भी अगर आपको चोट लगती है तो आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छी है। कई बारी जो गुम चोट होती है, यानी कि ब्लड वगैरह नहीं निकलता है बट आपको अंदरूनी चोट लगती है, तो ऐसे में भी आर्निका मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आर्निका को 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। और अगर आपको अक्यूट प्रॉब्लम है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको फ्रिक्वेंटली रिपीट भी कर सकते हैं। वहीं अगर चोट पहले लगी थी, क्रॉनिक कंडीशन है, तो इसके रिपीटेशंस कम रख सकते हैं। तो आर्निका 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। जो हमारी सेकेंड मेडिसिन है वो है हाइपेरिकम। तो कहीं पे भी अगर नर्व्स की इंजरी हो रही है तो हाइपेरिकम एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। जब भी बॉडी में कहीं पे भी नर्व्स की इंजरी हो और पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपको जैसे पता है कि बहुत ही नर्व रिच एरिया होता है, तो हाइपेरिकम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। हाइपेरिकम को भी 30 पोटेंसी में लेना है और 5-5 गोलियां इसकी दिन में 4 बारी करके ले सकते हैं। और जो कॉक्सीडिनिया का पेन है इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रूटा। तो जो रूटा मेडिसिन है वो अगर इंजरी हुई है, जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सेसिव साइकिलिंग करी है या कुछ इंजरी हुई है, आप पीछे की तरफ गिर गए हैं, सडनली आप बैठे हैं, एब्रप्टली आप बैठे हैं जिसके बाद ऐसी प्रॉब्लम हुई है और इंजरी रीज़न है, तो रूटा मेडिसिन बहुत ही अच्छा इसमें काम करती है। तो कहीं पे भी अगर बोनी इंजरी है तो रूटा विल ऑलवेज हेल्प यू। रूटा को भी 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी भी 5-5 गोली दिन में 4 बार करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेडिसिन हमारी कॉक्सीडिनिया के लिए, आर्निका 30, हाइपेरिकम 30 और रूटा 30। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कॉक्सीडिनिया यानी टेल बोन पेन और होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में, आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। हो सकता है इस वीडियो से किसी को कुछ मदद मिल जाए तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करिए। वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले।
दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आप मेरे को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं और अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आप लोग फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप CM4 या Call Me 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।